प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व अफियत से होंगे और अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए अल्लाह पाक आपको अपने हिफिज व अमान में रखे। तो बच्चों, पिछले दो रोज से हम पढ़ रहे हैं ये जो ड्रामा है पॉलीथीन जिन, आपकी किताब का आखिरला सबक, सबसे लास्ट वाला, आपके T2 का सिलेबस अब हमारा कम्प्लीट हो रहा है। ये लास्ट वाला लेसन है हमारा, ड्रामा है पॉलीथीन जिन। तो आज हम पढ़ेंगे इसको। आप अपनी किताब का पेज नंबर 133 निकाल लें, किताब नंबर पेज नंबर 133 वो निकालें। आज हमने ये पढ़ना है पेज नंबर 133 का लास्ट वाला पैरा। माहिर, हाँ जहाँ हाँ हम जो खाने पीने की अशिया इन दीदा जेब और खुश रंग लिफाफों में ले जाते हैं, इनमें उनसे वो खाना हमारे लिए मुजरे से बन जाता है। कल ये लड़के ने सवाल पूछा था कि ये जो सब्जियां, मेवे, दूध, दवाइयां, ये सब हम पॉलीथीन लिफाफों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, क्या इन चीजों पर भी इस जहरीली शेय का कुछ असर पड़ता है? ये लड़के ने सवाल किया था किससे? माहिर से। तो माहिर बोलता है, हाँ हम जो खाने पीने की अशिया इन दीदे जेब और खुश रंग, रंग बिरंगे मतलब फूलों वाले खूब खुश रंग के लिफाफों में ले जाते हैं, वो हमारे लिए मुजरे से बन जाते हैं। एक आदमी, मगर ये थोड़े से लिफाफे इतनी बड़ी जमीन को खराब कैसे कर सकते हैं? माहिर, पॉलीथीन लिफाफे इस वक्त काफी मकदार में फरोख्त किए जाते हैं। अमरीका के एक माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 10 खरब पॉलीथीन लिफाफे फरोख्त किए जाते हैं। हर साल कितने लिफाफे फरोख्त किए जाते हैं? 10 खरब पॉलीथीन लिफाफे, अमेरिका की एक माहौलियाती एजेंसी के मुताबिक, जिनका सिर्फ 1% हिस्सा साल भर में जाया किया जाता है। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि पॉलीथीन की सबसे खतरनाक किस्म काले रंग का पॉलीथीन है। सबसे खतरनाक किस्म का पॉलीथीन कौन सा है बच्चों? ब्लैक कलर का पॉलीथीन, जो काले रंग का पॉलीथीन होता है वो सबसे खतरनाक होता है। सरपंच खड़ा होकर, मेरे किसान भाइयों, मुझे लगता है ये साहब ठीक ही कह रहे हैं, हम खुद ही अपने खेतों के दुश्मन बन गए हैं। पॉलीथीन और प्लास्टिक का खुले आम इस्तेमाल करके हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पांव पर कुल्हाड़ी मारना हो गया नुकसान करना, यहाँ पर मैंने लिखा है पांव पर कुल्हाड़ी मारना, ये मुहावरा है, ये हो गया नुकसान करना। ये कहता है कि हम ये जो चीजें हैं, ये लिफाफे हम गिरा रहे हैं, प्लास्टिक के हर जगह खुले आम फेंक रहे हैं, तो इनके इस्तेमाल से हम अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ ये साहेब बिल्कुल सच कह रहे हैं। माहिर, मेरे भाइयों, एक आम जिन को आप जड़ फूंक के जरिए निकलवा सकते हैं, मगर पॉलीथीन का जिन इतना खतरनाक है कि इसने पूरी दुनिया पर अपना मनूस साया डाल दिया है। मनूस हो गया बुरा। ये बोलते हैं कि अगर जिन होगा तो उसको आराम से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये पॉलीथीन जिन जो है ये पूरी दुनिया में इतना खतरनाक है कि खतरनाक, और अपना मनूस है इसने ऐसा डाला हुआ है कि कोई भी इसको हटा नहीं सकता। हालांकि बहुत सारे ममालिक ने इसकी खरीद व फरोख्त पर पहले ही पाबंदी आयद की है। सरपंच, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं, हमें सिर्फ ये बताइए कि हम पॉलीथीन की बला से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सरपंच पूछता है माहिर से, माहिर आप लोगों को मुतहद होकर पॉलीथीन के खिलाफ आवाज उठानी है, सरकार को इस बात पर मजबूर करना है कि इस जहरीली शे पर आयद पाबंदी को सख्ती से अमलन लाया जाए। जवान लड़का खड़ा होकर, आवाज दो सब लोग एक साथ, हम एक हैं। जवान लड़का, पॉलीथीन जिन को सब लोग खत्म करो, खत्म करो। तो ये सब ऊपर उठते हैं और आवाज लगाते हैं कि आवाज दो, हम एक हैं, हम एक साथ हैं, और पॉलीथीन जिन को खत्म करो, खत्म करो। ठीक है, तो नो यूज पॉलीथीन बैग्स। तो ये मसला जो है, लोग जुलूस की सूरत में निकल जाते हैं और स्टेज का पर्दा गिर जाता है। ये जितने भी लोग हैं ये नारा लगाते हुए एक जुलूस की शक्ल में बाहर निकल जाते हैं। अगर इंसान बारीक बीनी से अपने माहौल का जायजा लेगा तो उसे पता चलेगा कि पॉलीथीन पूरी दुनिया के लिए एक मसला बनता जा रहा है। इससे न सिर्फ जमीन बंजर बन रही है बल्कि ये इंसान की सेहत के लिए भी काफी मज़रे साबित हो रहा है। हमारे आबी जहीरे नेस्त व नबूद हो रहे हैं,
और इसमें भी पॉलीथीन का काफी अमल दखल है। दुनिया के बेशतर ममालक के साथ साथ हिंदुस्तान की कई रियासतों में भी इसकी खरीद और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। अब जरूरत इस बात की है कि इस पाबंदी को सख्ती से अमलन लाया जाए। तो बच्चों, ये था ड्रामा जो आज हमने कंप्लीट किया, पॉलीथीन जिन। ठीक है, तो आप अपने घरों में अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड्स पेरेंट्स को, अपने पड़ोसियों को ये चीज समझाएंगे पॉलीथीन के बारे में कि ये कितना खतरनाक है और इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और आबी जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए कितना जानलेवा है। आप उनके बारे में इनको अवेयर करेंगे और पॉलीथीन का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, तब जाकर हम इस चीज से बच सकते हैं। तो बच्चों, कल इंशाल्लाह इसी ये जो ड्रामा है पॉलीथीन जिन, इसकी हम मशक करेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।